अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिल क्या जवाब? अगर मैं चाहूँ तो मुझे छेड़ने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि तुम चाहे जितने गिरे हुए सही हो तो तुम संतु आंटी के बेटे, उनके नाम से तुम्हारा नाम जुड़ता है और मैं उनकी बदनामी नहीं कर सकती। और एक बात तुम कान खोल कर सुनो, तुम्हारी ये औकात नहीं कि तुम मुझे छुओ या जबरदस्ती मुझसे कुछ भी करवा लो। आइंदा ऐसे करने की कोशिश भी की ना, बहुत पछताओगी। या ये कहूं कि पछताने का मौका नहीं मिलेगा, अभी तक तो मैंने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारा है। यहाँ की गार्ड्स को बुलाऊंगी ना तो न जाने क्या हाल होगा तुम्हारा। आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चलो त्रिवेणी, ऐसे लोगों को लेकर परेशान नहीं होते। अरे मैंने ये वाले फूल नहीं कहते, पीले वाले कहते, वाले लगाओ जाके तुम लोग भी ना। अरे प्रशांत तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उनका काम बताओ। हाँ ठीक है। और हाँ अरे तुम ना जाके रसोड़े में काम करो, ठीक है। अरे भैया सुनिएगा, वाला वो वहां लगाइएगा। चंपा गली जी, तुमने वो चाशनी देख ली? हाँ चकली और लड्डू बनाने के लिए बोल दिया है। ये मेहमानों की लिस्ट है, ऋषभ को दे दे। आ गए तुम लोग, वो देना। हो गई खरीदारी? हाँ। और सबसे खास तो ये साड़ी है जो हमने त्रिवेणी के लिए ली है। देखना संतु कैसी लगी तुम्हें। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, त्रिवेणी पे बहुत अच्छी लगी। क्या हुआ त्रिवेणी, तुम्हारा मुंह से उतरा हुआ क्यों है? अरे क्या बात है, बोलो ना। संतु आंटी, वो आंटी नहीं दादी बोलो, तुम्हारी दादी बनने वाली हूँ मैं। बताओ की बात क्या है। दादी वो मैंने विशाल को आज बाजार में थप्पड़ मारा, पर विशाल कहाँ मिला तुम्हें? हम खरीदारी करके निकल ही रहे थे कि वो। त्रिवेणी तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो भी ऐसे ही करता। आंटी आई एम सॉरी, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। त्रिवेणी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे विशाल ने जो भी किया उसके लिए तुम्हें एक नहीं और दो थप्पड़ मारने चाहिए थे। तुमने बिल्कुल सही किया और तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। दुखी तो मुझे होना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। पता नहीं मेघा ने उसके मन में कितना जहर भर रखा है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है। पता नहीं उसे सही रास्ते पर मैं कभी ला पाऊंगी। खैर ये सब छोड़, तुम ऐसे अब दुखी मत हो, कल तुम्हारी सगाई है, मुस्कुरा दो। और एक बात त्रिवेणी, ये बात घर में किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। कल तुम्हारी सगाई है और मैं नहीं चाहती कि सगाई के पहले कोई भी तमाशा हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मजा आ गया, सर्दी की रात में सिर्फ फैमिली के साथ बैठने का मजा ही कुछ और है। दादू भी कितने दिनों बाद आए हैं। हाँ ले आ, तू भी खजूर खा। बरोबर बोले छोकरो, ठंडी हो है ना, तो ऐसे हीटर के सामने बैठ के हाथ सीखने का बहुत मजा आता है। मैं मालिक से कुछ कहती नहीं तो अपनी मनमानी कर रहे, शॉल तक नहीं पहने। अरे कल सगाई है ना ऋषभ और त्रिवेणी की। क्या मोटी बहन सब तैयारी हो गई ना, मैंने सबको आमंत्रित कर दिया ना? हाँ पापा सबको फोन कर दिया। चल सारू जा, नीज के कपड़े सब तैयार है। सारी बात चल, कल सगाई का प्रसंग है, ये समझ आ रहा है आपको? अपनों का साथ ये भी दिख रहा है, सबने गर्म कपड़े पहने ये नहीं दिखता। आपको भी गर्म कपड़े पहनने चाहिए थे ना। या मोटी बहन ये डफोड़ को बोल कि मैं लंदन से आया हूँ, यहाँ तो बर्फ गिर रही थी, ऐसे में मुझे क्या ठंड लगेगी है?
बात करा जाए। जब हाथ पैर दुखेंगे ना तब और मजा आएगा। जो मुझे ठंड लगेगी ना तो मुझे ठंड लगेगी, बरोबर छे ना? तुझे क्या उसमें, तू तो सामान वामान बांध के मेरे जीवन से बाहर चली गई ना, पता ही नहीं होगा। अरे ठंडी थी याद आई मने, मैं वहां फॉरेन गया ना लंदन, तो वहां मुझे एक गोरी छोकरी मिली। वो छोकरी मुझे क्या बोली कि मुझे गुजरात घूमने का है, गुजरात देखने का है। फिर क्या बता दूं? तो मैं बोला क्या, ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो और गुदगुदी क्यों कर रहे हो मुझे? नहीं थी वो, मैं त्रिवेणी। मेरा हाथ तुझे त्रिवेणी का हाथ लगा, शैतान कहीं का। वैसे मानना पड़ेगा उस त्रिवेणी में गर्ज तो है, पहले तेरी मां की बेइज्जती की और आज तुझे थप्पड़ मारा। कोई मेरी मां की ऐसी बेइज्जती करे ना मैं फाड़ के रख दूं उसे, और वो भी ऐसी पिद्दी से लड़की। नहीं कह रहा तू, पर तेरी जगह अगर मैं होता ना सिंधा गाड़ देता उसे। यही तो फर्क है तुम लोग में मुझ में, तुम लोग उसको मार के गाड़ दोगे लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो हाल करूंगा उसका कि जब तक जिएगी थोड़ा थोड़ा करके मरेगी, हर पल उस पल पर पछताएगी जब उसने मेरी माँ की बेइज्जती की। पहले सोचा मैंने कि उसे थोड़ा डरा है धमका के समझा दूं, पर नहीं, पागल है ना, विशाल के गाल पर थप्पड़ मार दिया उसने, छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा था उसने, मुझे ना छूने की धमकी दी थी ना, इस तरह छूंगा कि किसी और के छूने से नफरत होने लगेगी उसे, वो डरेगी, अपने आप को देख के डरेगी, वो पछताएगी, अफसोस करेगी कि मेरे रास्ते में क्यों आई, जिस हिम्मत से उसने मेरा सामना किया। अब अपना सामना करने से डरेगी।